বেটা কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান, এটা এখানে তো হোমওয়ার্ক দিয়ে দিয়েছি, লোক এক্সারসাইজ 4.2 আতায় তো লোক কোশ্চেন নাম্বার 4 কো করো এক্সট্রা কোশ্চেনে, আর এক্সারসাইজ 4.2 কা ফার্স্ট কোশ্চেন সরি 4.2 কা 4.1 তো দিয়া তো হুইচ অফ দা ফলোইং অপশন ইজ ট্রু এন্ড হোয়াই ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়াই ইকুয়ালস টু যদি দিয়া হয় 3x প্লাস 5 तो अभी देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसका जो तीन चीज का मीनिंग पहले मालूम होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ओनली टू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन एंड इन फाइनली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो पहले देखो यूनिक सॉल्यूशन और इन फाइनली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें जैसे कोई एक लाइन है और एक लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, दो लाइन दिया एल वन एल टू। ओके, एल वन एल टू दो लाइन दिए, ये लोग इस पॉइंट में कट किए, तो इसका एक्स का वैल्यू मान लेते हैं टू और वाई की वैल्यू थ्री, तो एक ही सॉल्यूशन इसका हुआ ना, दो लाइन एक ही पॉइंट में कट करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन, यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर। और मतलब कि कोई दो लाइन, सपोज ये भी एक लाइन है और एक लाइन ऐसी इसके ऊपर से जा रहा है, एल वन जो है एल टू भी है, तो सारे पॉइंट इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन होगा। ओके, तो दोनों लाइन का इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। दो लाइन होता है तब भी होगा, मान लो एक लाइन है ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन का तो बात नहीं आएगा, पर कभी बोले ऐसे दो लाइन होते हैं, दो लाइन पैरेलल है सब, तो एल वन और एल टू दोनों पैरेलल है, तो कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। पर कोई केस में दो सॉल्यूशन तो होगा नहीं। ओके, दो सॉल्यूशन का बात नहीं होगा, मतलब उसमें कोई रेंज के अंदर बोलते हैं तब जाके दो सॉल्यूशन की बात होती है, तो दैट मीन्स इस वाले का आइदर इनिशियल सॉल्यूशन होगा नहीं तो इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन होगा। ये क्या बता दे, देखो इस जगह में मान लो वाई कॉस्ट हो 3x प्लस 5 है, भाई मान लो कि हम लोग ऐसे टेबल बनाएंगे तो देखते हैं क्या होता है, ये वाला एक्स है वाला वाई, एक्स का वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 3 इंटू 1 3 प्लस 5 दैट इज 8, इसका 2 लिया तो 6 11 हो जाएंगे, इस x का वैल्यू 0 लिया तो 5 हो जाएंगे, ऐसे ये बढ़ती ही चला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये जो लाइन होगी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होगा और सारे पॉइंट एक एक सॉल्यूशन को बताएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बात क्लियर हो बेटा, सबको समझ में आ गया।
नो सॉल्यूशन क्या है पता चला, यूनिक सॉल्यूशन क्या पता चला, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, एक लाइन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं तो ओवरलैपिंग लाइन होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन। बात क्लियर? अच्छा ओके, तो सब कर सकते ना, नोट कर लिया तुम लोग, देखो सब कर सकते थे सब, बाकी दोनों इजी थे तो नहीं कर बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या आया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके अच्छा समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सेकेंड वाले में राइट फोर सॉल्यूशन, राइट फोर सॉल्यूशन। नंबर वन जो दिया एक्स प्लस वाई फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे y plus 2 7 minus 2x। आंसर जब लिखेंगे तो 7 है 2x इधर आ गया। अब ये टेबल बना देंगे, x से y, मान लो x का तो 0 लेते हैं, एक बार देख लेते बेटा, हाँ तुम करो जाओ एयरफोर्स को, एक्स का भी जीरो दिया तो वाई का भी कितना होगा, सेवन, बिकॉज सेवन माइनस टू इंटू जीरो, सेवन माइनस जीरो इक्वल टू सेवन, एक्स का भी वाई का हुआ सेवन। ओके सीधा नेक्स्ट तो मतलब एक्स का भी वन दिया तो वाई का भी कितना होगा, फाइव, बिकॉज सेवन माइनस टू इंटू वन, सेवन माइनस टू दैट विल बी फाइव। ओके सुनो नेक्स्ट वर्षा बताओ, एक्स का लू थ्री लिया तो वाई का लू कितना होगा, वन, थ्री इंटू टू सिक्स, सेवन माइनस सिक्स दैट विल बी वन। ओके सुनो नेक्स्ट माने बोलो और एक वैल्यू बताओ, एक्स का लू जल्दी एक्स का लू फाइव, ठीक है फाइव ले लो, कितना होगा, फाइव इंटू टू टेन, सेवन माइनस टेन कितना होगा, माइनस थ्री। ओके क्लियर, ऐसे लगते चार सोल्यूशन आएगा, लेकिन देखो तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा पीछे जो आंसर देगा अलग अलग होंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। ओके देयरफोर फोर सॉल्यूशन आर, ओके क्या लिखेंगे, जीरो कॉमा सेवन, उसके बाद वन कॉमा फाइव और थ्री कॉमा वन, फाइव कॉमा माइनस थ्री। ओके ये वाला हो गया, राहुल माइनस भी ले सकते हो प्लस भी ले सकते, जीरो भी ले सकते। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू, उसमें जो दिया फाइव प्लस फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, वाई इक्वल टू नाइन माइनस फाइव एक्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे फाइव के वैल्यू पुट नहीं करना है, फाइव के रेस्पेक्ट में आंसर करना, ये वाला एक्स ये वाला वाई। ओके एक बार डिसाइड कर लो क्या क्या होगा। अच्छा फर्स्ट वाला तुम लोग को बता देता हूँ, देखो फर्स्ट वाले में जो आंसर देगा ऐसा कुछ नहीं, इनफाइनाइट मेरी सोल्यूशन है तो तुम्हारा भी बहुत सारे सोल्यूशन आएगा। अच्छा एक मिनट ऐसा करो, जो 4.2 का सेकंड का फर्स्ट आंसर क्या दिया, ठीक है उसमें देखो कि उस तरीका से दिया है, ठीक है बेटा,
अच्छा तो यहाँ पे भी मन में तो जो हम लोग का आंसर आएगा वो बहुत सारे आंसर आ सकते उसमें से चार आंसर किसी को। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो ले लिया सेम टाइम एक्स का वैल्यू जीरो लिया तो बेटा वाई का वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेशन इधर करते वाई इक्वल्स टू नाइन माइनस पाई एक्स तो नाइन माइनस पाई इंटू जीरो तो नाइन माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा नाइन। ओके बैठ इसके बाद वन लेते हैं सपोज वन वाई इक्वल्स टू तुम करो कितना लिखो बेटा नाइन माइनस पाई इंटू वन कितना होगा नाइन माइनस फाइव कितना आएगा नाइन माइनस फाइव। ओके कितना होगा नाइन माइनस ओके बट उसके बाद फाइव जो आ गया नाइन माइनस फाइव फिर वाई इक्वल्स टू नाइन माइनस फाइव इंटू टू यहाँ पे टू लिख दिया ये कितना आएगा नाइन माइनस तो तुमको पाई के रेस्पेक्ट में आंसर करना है। ओके नेक्स्ट तुम बताओ इसके बाद एक्स का क्या ले हाँ थ्री ले लो कोई बात नहीं अच्छा फाइव भी ले लो कोई बात तो उसमें से पूरा इसको बड़ा कर देते हैं नाइन माइनस फाइव। ओके तो जरूर इसमें लिखिएगा देयरफॉर फोर थर्टी मिनट फोर सोल्यूशन आर हाँ बोलो पाई के वैल्यू ग्राफ में हम लोग को प्रूफ करने नहीं देता ठीक है बेटा क्लियर। पाई क्या होता है नॉन ट्रांसमिटिंग नॉन रिपीटिंग उसको हम लोग को वैल्यूज ग्राफ में फाइंड करने नहीं एक्स का वैल्यू वन अपॉन पाई नहीं ले सकता ठीक है। अच्छा फोर सोल्यूशन सर जीरो नाइन वन कॉमा नाइन माइनस फाइव टू कॉमा नाइन माइनस टू फाइव और तीसरा जो इधर में लिख देता हूं फाइव माइनस नाइन सॉरी फाइव नाइन माइनस फाइव। एक्चुअली क्या होगा कि एक्स वाले को तुमने रेशनल नंबर के रेस्ट में लिखोगे एक ही जगह पे क्या होगा दोनों रेशनल नंबर आएंगे बाकी सारे वैल्यूज के लिए क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा दूसरे वाला ई रेशनल नंबर। ओके क्या तक हुआ इसको फिर नोट डाउन कर लो। अच्छा और एक पार्ट इसका बचा है थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में क्या दिया एक्स इक्वल्स टू फोर बचा तो बड़ी आसान है इसमें डायरेक्ट हो जाएगा एक्स और वाई की तो वाई के वैल्यू पुट करो जीरो एक्स वैल्यू क्या आएगा जीरो वाई के वैल्यू वन एक्स वैल्यू कितना होगा फोर वाई के वैल्यू टू एक्स वैल्यू एट वाई के वैल्यू थ्री एक्स वैल्यू उसके बाद लिख दोगे क्या क्या सोल्यूशन अंडरस्टूड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डांटना पड़ता है कौन डांटेगा। ओके बेटा इसमें 4.2 अच्छा इसी में से जो ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट में दैट इज फोर सॉल्यूशन आर जीरो कॉमा जीरो फोर कॉमा वन एट कॉमा टू ट्वेल्व कॉमा थ्री और अभी जो कॉपी देखा उसमें से दो तीन कॉपी रिटर्न भी है इसके बाद और कभी पेंसिल से लिखा पेंसिल लिखोगे और एकदम प्रॉपर हैंड राइटिंग हो मार्जिन खींच रहे हैं ठीक है देखते ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड इन 4.2 का एक टेस्ट होगा उसमें देखेंगे क्या पोजिशन होते हैं चेक क्वेश्चन तो फॉलो है और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर एंड व्हिच आर नॉट एक्स माइनस
अथवा कॉस्ट ऑफ होम। इस पॉइंट के लिए 0.2 ये देखेंगे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। LHS इक्वल्स टू x माइनस 2y, x वैल्यू 0, 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4। RHS इक्वल्स टू क्या है 4, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। ओके दोनों बराबर नहीं है बिकॉज एक हमारा 4 है माइनस 4 है। उसके बाद लिखना पड़ेगा देयरफॉर 0.2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। नंबर 2 2.0 LHS x माइनस 2y x वैल्यू 2 इंटू 0 2 माइनस 0 दैट इज 2। RHS कितना था 4। देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर 2.0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट में 4.0 LHS जो है x माइनस 2y, 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, और RHS भी 4 था। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर 4.0 इज ए सॉल्यूशन। उसके बाद फोर्थ पार्ट में रूट टू है और 4√2 है। एक पॉइंट ये इसमें LHS जो है x माइनस 2y, x का वैल्यू रूट 2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो रूट टू माइनस एट रूट टू हाँ बेटा तुम बताओ कितना होगा। रूट टू माइनस एट रूट टू चला जाएगा ना, तो 7√2 बचेगा लेकिन माइनस, क्योंकि देखो इस तरीके से ध्यान रखो ए माइनस एट है इक्वल टू क्या लिखते हैं माइनस 7 है, एक जगह क्या लिखा √2 लिखते RHS इक्वल टू 4, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर √2.4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट अभी फिफ्थ इस वाले होम वर्क है। नहीं तो ये प्रैक्टिस रह गया तो बोर्ड एग्जाम के टाइम में दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 4
इसमें x का वैल्यू टू, y के वैल्यू वन और इक्वेशन दिया है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू के फाइंड के। अब ये आंसर में इसमें तुम लोग सभी कर दिए थे टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू के टू इंटू एक्स थ्री इंटू वाई इक्वल्स टू के फोर प्लस थ्री इक्वल टू के ओके। इसके बाद अभी टेस्ट होगा इसका, ताकि अच्छा अभी एक टेस्ट लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देता हूँ, कॉपी लेके आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बता देते कि ना क्या क्या आंसर्स। फाइंड फोर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर क्वेश्चन, लिखने लिखना लिख नहीं था एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर, लीनियर इक्वेशन ओके। एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स माइनस टू अपॉन थ्री प्लस y प्लस थ्री अपॉन फाइव प्लस y प्लस नाइन अपॉन सिक्स इक्वल्स टू वन ओके। इसके चार सोल्यूशन फाइंड करना ओके। करिए जल्दी, देखता हूँ किसका आता है। फिफ्टी एट पॉइंट एट, फिफ्टी एट पॉइंट। चलिए जल्दी, ये वाला लीनियर इक्वेशन दिया, इसका चार सब सब फाइंड कर दीजिएगा ओके। ओके इसे के लिए पहले हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे, टू थ्री फाइव सिक्स, इसका एलसीएम आएगा थर्टी, थर्टी एलसीएम आएगा बाद नहीं, टू और थर्टी रहता फिफ्टीन, एक्स माइनस वन प्लस टेन एक्स माइनस टू प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इक्वल्स टू वन। इन लोग का आ गया, उन लोग के क्वेश्चन ट्राई करो। फिफ्टीन एक्स माइनस फिफ्टीन प्लस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस सिक्स वाई प्लस एट थर्टीन टू वन दैट विल बी थर्टी ओके। अभी एक फिफ्टीन एक्स और टेन एक्स दैट विल बी ट्वेंटी फाइव एक्स, ट्वेंटी फाइव एक्स हो गया, सिक्स वाई और फाइव वाई दैट विल बी इलेवन एक्स। अब माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी एटीन फोर्टी फाइव, माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी दैट विल बी माइनस थर्टी फाइव और एटीन प्लस फोर्टी फाइव, एटीन और फोर्टी फाइव थ्री थ्री बात पूछ रहे लिखता हूँ, ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस इलेवन वाई इक्वल्स, ये दोनों जो थर्टी प्लस थर्टी फाइव माइनस इक्वल्स टू, ये वाला सिक्सटी फाइव हुआ, इधर समझ लेते कितना बचे टू बचे, सिक्सटी फाइव माइनस
63, that will be 2. इक्वेशन आया 25x प्लस किस किसका ये वाला इक्वेशन आया था, तो इक्वेशन सही है। इसके बाद 11y plus 2 minus 25x y plus 2 minus 25x upon अभी जो है x और y, x और y 0 पुट कर दिया, y का 2y इधर एक्स का लू वन पुट करेंगे तो 2 माइनस 25 दैट वैल्यू इज माइनस 2 माइनस 25 माइनस 23 बाई 11। देखो कुछ बच्चे ने माइनस का साइन लेना है उसमें गलत हो जाएगा, जब तू पुट करोगे 25 इंटू 2 दैट इज 50, 50 से चला गया माइनस 48 अपॉन ओके, और फोर कुछ करते हो तो 100 माइनस 90 डिवाइड बाय 4 सोल्यूशन आ जाएगा। इक्वेशन किस किस का करेक्ट है ओके, इक्वेशन माने सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, जल्दी नोट कर लो।